बेटी चमेली। हाँ पिताजी। इस समय तुम्हें सिंह दरबार में किस लिए याद किया हूं मैं तुम्हें बता रहा हूं। हेलो जी, सबसे पहले तू ये बता तुम्हारा जन्मदाता कौन है। हे पिताजी, जन्मदाता तो आए भी हैं। क्यों नहीं, राम महामंत्री है। सुन लिया बेटी चमेली, कह दी कि जन्मदाता आप है, और पूछे पीछे हट जा। बेटी चमेली, तुम्हारा जन्मदाता मैं हूं, लेकिन तुम ये बताओ इस महल में किसके भाग से खाती पीती हो और किसे तुम ईश्वर परमात्मा मानती हो। हे पिताजी, जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई। हाँ। और उस दिन से आप मुझे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं। क्यों नहीं, मैं आपकी भाग से पढ़ती लिखती हूँ, मैं आपकी भाग से खाती पीती हूँ, और मैं आपकी भाग से ऐश्वर्य आराम करती हूँ। मेरी बेटी है बहुत होशियार। बेटी चमेली, ये बात आज अपने मंत्री मुझसे कह रहा था कि महाराज, हम महल में बहन के मुख से नहीं सुना हूं कि आपको भाग विधाता मानता है या नहीं। तूने सुन लिया, जाओ जाओ, ठीक है पिताजी, जाओ महल जाओ, और अपनी बहन बड़ी चंपा को भेज देना। महामंत्री जी महाराज, अब चंपा की बुलाने की कोई जरूरत नहीं। जी जी, कैसे जरूरत नहीं है। फिर खींच डालो ओ बाबू, या ना या मार दो। जब बेटी चमेली मुझे भाग विधाता ईश्वर मांगते हैं, चंपा तो परी है, इनसे वो होशियार है, तो क्या वो मुझे भाग विधाता ईश्वर नहीं मानेंगे। जी महाराज, चमेली के मुखारविंद से तो हम सुन लिए, अच्छा, लेकिन एक बार चंपा के मुखारविंद से सुनेंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंह दरबार में बैठते हैं, जा तुम चंपा को बुला लो। जी महाराज, चलिए आप लोग कार्यक्रम में जुड़े रहें, आगे का सीन आपकी सेवा में पेश करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में डालेंगे एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डांस, आएंगे हमारे कंपनी की सुपर हिट हीरो साहब एस के मुखर्जी।